Hello students, so today we are going to learn Standard 8 Maths Chapter Number 13, Exercise Number 13.1, Question Number 6. In a model of a ship, the mast is 9 cm high, while the mast of actual ship is 12 meter high if the length of a ship is 28 meter. How long is the model ship? The model ship kitna long hoga? Ab aapke paas model ship ke liye sirf iska mast given, that is 9 cm high. और एक्चुअल शिप की आपके पास मैस्ट भी है और इसका लेंथ भी है. सो कैसे फाइंड करेंगे सी. हियर आई एम राइटिंग एक्चुअल शिप एंड इज अ मॉडल. एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है 28 मीटर एंड इसका मैस्ट है 12 मीटर. सो मॉडल शिप का अगर मैस्ट 9 सेंटीमीटर है तो इसका एक्चुअल जो लेंथ है वो कितना होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से. सो लेंथ एंड मैस्ट यहाँ पे लिखा है. एक्चुअल शिप एंड इट्स अ मॉडल शिप. एक्चुअल शिप अगर 28 मीटर का है तो इसका मैस्ट है 12 मीटर का. तो हमें मॉडल शिप का लेंथ फाइंड करना है. सो इसका मैस्ट है 9 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियसली मैस्ट जो है वो मीटर में होगा एंड जो शिप है वो सेंटीमीटर में होगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में जाएगा 12. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 28 इंटू 3 इन अपॉन में आएगा 4. लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स कट हो रहे हैं तो फैक्टर्स हम कट करेंगे. 7 4 ज़ा 28 एंड यह इज़ अ 4. सो 4 4 कट तो बचेगा क्या 7 इंटू 3. नीचे भी कुछ नहीं है तो नीचे भी कुछ लिखेंगे नहीं. सो 7 3 ज़ा 21 एंड इट्स अ सेंटीमीटर, क्योंकि मॉडल शिप जो है उसका लेंथ सेंटीमीटर में होगा. सो द आंसर इज 21 सेंटीमीटर. सो हम डाउन लाइन में क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. क्लियर. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.1.